नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। तीसरी पत्नी के साथ मिलकर दूसरी की हत्या। युवक ने 13 साल में की 3 शादी, पहली से तलाक, दूसरी का मर्डर, अब तीसरी के साथ जेल। छत्तीसगढ़ में एक युवक ने अपनी तीसरी पत्नी के साथ मिलकर दूसरे पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पति पत्नी ने लाश को कांकेर जिले के जंगल में फेंका और फिर सबूत मिटाने के लिए डीजल डालकर आग लगाने की कोशिश की। पुलिस ने महिला की अधजली लाश बरामद की थी। हत्या के आरोपी पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने पिछले 13 सालों में 3 शादियां की हैं। पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद इसने दूसरी शादी की थी। अब साल 2021 में तीसरी शादी कर दूसरे नंबर की पत्नी की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक 19 मार्च को कांकेर जिले के कोकड़ी मार्ग पर महिला की अधजली लाश मिली थी। पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से महिला का पता लगाने का प्रयास किया था। 20 मार्च को भिलाई के चरोदा से महिला के परिजन कांकेर आए, जिन्होंने शव की पहचान अपनी बेटी पूर्णिमा ग्वाला 38 वर्ष के रूप में की। परिजनों ने पुलिस को बताया था कि पूर्णिमा का पति के साथ विवाद चल रहा था, इसी कारण मायके आ गई थी। जिस दिन लाश मिली उसके एक दिन पहले 18 मार्च को ही पूर्णिमा का पति तुलसीदास मानिकपुरी उसे घर से लेकर गया था। परिजनों के इस बयान के आधार पर पुलिस ने तुलसीदास से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद आया, जिसके बाद युवक की लगातार तलाश की गई। इस मामले को लेकर कांकेर जिले की पुलिस ने भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग और रायपुर समेत आसपास के जिलों की पुलिस से भी संपर्क किया। कांकेर समेत इन शहरों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें पता चला कि तुलसीदास अपनी पत्नी पूर्णिमा को एक सफारी कार में बिठाकर गुरूर की तरफ गया था। युवक के संबंध में यह सुराग मिलने के बाद इन शहरों में भी उसकी तलाश लगातार की जा रही थी। वो दूसरे नंबरों से अपने करीबियों से बात कर रहा था और बार बार अपना ठिकाना बदल रहा था। लगातार नजर रखने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक और उसकी तीसरी पत्नी इंद्राणी मानिकपुरी के साथ उसे रायपुर से गिरफ्तार कर लिया।